बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामुअलैकुम। आज जिस पीआर पैकेज का मैं रिव्यू करने जा रही हूँ वो मुझे फ्रोज़न प्रोडक्ट्स आई हैं फ्रॉम द फैमिली किचन की जानिब से। इन्होंने अपने मेन्यू में मौजूद तमाम चीज़ें जो हैं वो मुझे टेस्ट के लिए भिजवाई हैं, जिनमें चिकन शामी कबाब शामिल हैं, चिकन चीज़ रोल शामिल हैं, उसके अलावा बीफ कीमा समोसा शामिल है, चिकन समोसा शामिल है और इसके अलावा आलू समोसा जो है वो इनके मेन्यू में शामिल है। यहाँ पर इन्होंने जो मेन्यू मुझे दिया है उसकी मैं पिक्चर भी अपने इस वीडियो में अटैच कर दूँगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनका ये टेस्ट था। ये इनका कंप्लीट मेन्यू है अलॉन्ग विद द डिटेल्ड प्राइसेस। ये देखिए, इस तरह की बहुत ही सेफ़ पैकिंग में ये इन्होंने मुझे डिलीवर किया है। बेसिकली जो फ्रोज़न आइटम्स होते हैं उनकी पैकिंग पे बहुत डिपेंड करता है, बिकॉज़ अगर हम उसको उसी टाइम पे यूज़ नहीं करते तो फ्रोज़न चीज़ें जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं। लेकिन ये जो पैकिंग इन्होंने मुझे भिजवाई है ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लास्टिक रैपिंग है, जिसकी वजह से जो फूड है वो काफ़ी देर तक जो है वो सेफ़ रहता है। तो ये जो चीज़ें इन्होंने मुझे भिजवाई हैं इनको मैं फ्राई करके ट्राई करूँगी और उसके बाद मैं इनको ओपन करके भी आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से जो है वो इनके अंदर जो फीलिंग है वो शो हो रही है। तो ये देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टेस्टफुल से रोल्स और समोसे हैं। आपको पता है रमज़ान आ चुका है और रमज़ान में हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, जो कि हमने अपनी इबादत में मसरूफ़ होना होता है। तो इन चीज़ों को आप ऑर्डर कर सकते हैं द फैमिली किचन से, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे ये हमें घर में डिलीवर कर देते हैं। तो आप मेरी रिकमेंडेशन पे इनसे ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा, क्योंकि ये आपको डिस्काउंट भी देंगे। और अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आता है तो मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे बाकी आने वाले रिव्यूज़ भी जो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। ये इनका मेन्यू है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कॉन्टैक्ट नंबर और तमाम डिटेल्स इसमें मेंशन है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैप्पी रमज़ान, दुआओं में याद रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।